हाँ जी सीढ़ी के चित्र में त्रेता के अंत में तीन कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि तीन विदेशी विधर्मी बीज रूपात्मा राज्य तो करती हैं, परंतु उस समय से स्वर्ग का राज्य टूटने लगता है। तो कटी फटी सीढ़ियां दिखाई गई हैं, परंतु द्वापर के आदि में भी तो कटी फटी सीढ़ियां हैं। तो कई जिज्ञासु उसके बारे में पूछते हैं कि ये जो कटी फटी सीढ़ियां हैं ये किस बात की निशानी है। जब द्वापर के आदि में और त्रेता के अंत में पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है, देवताएं वाम मार्ग में जाने लगते हैं, तो ऊपर से आई हुई जो नई नई आत्माएं हैं इस्लाम धर्म की, वो अपना वर्चस्व स्थापन करती हैं। परंतु उनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए उनका वर्चस्व भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उनका राज्य भी धीरे धीरे बढ़ता है। जब लाखों की तादाद उनकी हो जाती है 100, 200, 400 वर्षों में, तब उनकी पूरी राजाई स्थापन होती है। इसलिए तीन चार सीढ़ियां कटी हुई दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, बाबा ने समझाया ऐसा नहीं कहना होता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये क्रम रांग है। जो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु वास्तव में कहना चाहिए, समझाना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जो स्थापना होने के बाद रह जाते हैं, स्थापना के क्रम में नहीं आते हैं, उनका विनाश शंकर द्वारा, फिर जिनकी स्थापना हुई है उनका विष्णु द्वारा पालना। तो समझाना चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो जिज्ञासु कहते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु शंकर का आयन है तो जरूर कुछ न कुछ तो बात होगी, ये क्रम क्यों चला आया है भक्ति मार्ग में कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद विष्णु, फिर विष्णु के बाद है शंकर। ये भक्ति मार्ग में क्रम इसलिए आया है कि इस सृष्टि में निवृत्ति मार्ग प्रधान है या प्रवृत्ति मार्ग प्रधान है। सृष्टि बिना प्रवृत्ति के नहीं हो सकती,
तो चाहे स्थापना हो, चाहे पालना हो, चाहे विनाश हो, टोटल स्थापना, पालना और विनाश तभी हो सकता है जब प्रवृत्ति हो जाए। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये बात तो ठीक, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर के सृजनकारी करते हैं, सृष्टि रचते हैं। परंतु जो सृष्टि रची जाती है उसका विनाश भी पूरा तब तक नहीं हो सकता जब तक विष्णु के रूप में, जैसा नाम है विष्णु, नो विषय टाल, विष का नाम निशान न रहे, ऐसी स्थापना जब तक न हो जाए तब तक विनाश नहीं हो सकता। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना ही विनाश होगा। स्थापना पूरी नहीं होगी तो विनाश भी पूरा नहीं कहा जा सकता। इसलिए विष्णु को भी साथ ही लेना पड़ता है। तीसरा है, सच्चा सोना से जेवर नहीं बनता है। क्योंकि सच्चा सोना मोल्ड नहीं होता है तो उसका जेवर भी नहीं बनता है। सोना माने सच्चाई, पक्की पक्की आत्मिक स्थिति। ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकने वालों के द्वारा सुख ही सुख मिलता है। परंतु फिर सच्चा सोना से सुख नहीं मिल सकता। ये क्या बात है? सतयुग आदि में जो भी आत्माएं उतरेंगी परमधाम से, वो 100% सच्ची नहीं होंगी है? होंगी या नहीं होंगी? सतयुग में उतरेंगी या संगम में उतरेंगी है? नहीं, संगम जब तक रहेगा तब तक सच्ची आत्माएं इस सृष्टि पर होंगी तो, लेकिन ऐसी सच्ची आत्माएं नहीं होंगी जो वाइब्रेशन से बच्चे की पैदाइश कर सके। संगम जब पूरा होगा, पूरा होने के तुरंत बाद जो कृष्ण बच्चा पैदा होगा वो आत्मिक स्थिति की कैसी सच्चाई से पैदा होगा? दृष्टि से पैदा होगा या वाइब्रेशन से पैदा होगा है? वाइब्रेशन से पैदा होगा, वो ही सच्चा सोना है। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनमें कुछ न कुछ दृष्टि का देह भान होगा। जैसे राधा कृष्ण में
दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। अब विचारी दृष्टि का प्यार है तो दृष्टि भी तो देह का अंग है ना, है या नहीं? तो कुछ न कुछ देह भान मिक्स हो गया। तो ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम 100% सच्चा सोना सुख नहीं दे सकता। एकदम सच्चा सोना 100% कहेंगे नर से जो नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ही 100% सच्चा सोना है। बाबा ने वार्तालाप में कहा है कि जड़ चित्रों से भी वाइब्रेशन मिलता है। जो जड़ चित्र है जिसमें आत्मा नहीं है, उससे वाइब्रेशन कैसे मिल सकता है? जड़ चित्र में तो आत्मा नहीं है, लेकिन जड़ चित्रों को जो देखने वाले हैं, कोई तो भावना वाले हैं और कोई ऐसे भी हैं जिनको कोई भावना नहीं होती जड़ चित्रों में, तो वाइब्रेशन किसको मिलेगा? भावना वालों को वाइब्रेशन मिलता है। जो भावना वाले नहीं होते हैं उनको वाइब्रेशन नहीं मिलता, वो जड़ ही के चित्र जड़ ही रह जाते हैं। दुनिया में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने बाप को ही मार डालते हैं, तो यहां भी ऐसे बच्चे होंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में जरूर ऐसे बच्चे भी हुए होंगे जो अपने बाप को भी अनिश्चय बुद्धि बनाए देते हैं। अनिश्चय बुद्धि माने विनश्यते, मर जाते हैं। आगे चल के एडवांस में भी देवियों की पूजा होगी। जैसे बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया में देवियों की पूजा करने वाले हुए, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और देवियों को मकान बना बना के खड़े करके दे दिए, वो तो आधार मूर्त दुनिया है। आधार जड़ों को कहा जाता है, जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं या बीज ज्यादा पावरफुल होता है? इसे साबित होता है कि जड़ें उतनी सतो प्रधान भी नहीं बनती और जड़ी उतनी तमो प्रधान भी नहीं बनती, लेकिन बीज बीज जड़ों से भी जास्ती पावरफुल होता है। वो जास्ती तमो प्रधान भी बनता है तो जास्ती सतो प्रधान भी बनता है। ब्राह्मणों की आधार मूर्त दुनिया में जो हुआ है उससे भी जास्ती सतो प्रधान स्टेज भी बीज रूप ब्राह्मण आत्माओं की बनेगी और फिर तमो प्रधान स्टेज भी बीज रूप आत्माओं की जास्ती बनती है। तो का यहां भी दृष्टि का व्यभिचार शुरू हो जाएगा। अरे दृष्टि का तो छोड़ो,
जो दृष्टि है वो तो सूक्ष्म है, आंख को श्रेष्ठाचारी भी कहा जाता है और आंख भ्रष्टाचारी भी है। आंख सबसे जास्ती धोखेबाज भी कही जाती है, लेकिन और इंद्रियों को ऐसे नहीं कहते हैं। बीज रूप आत्माओं में तो पूरी तरह सब इंद्रियों से भ्रष्ट बन जाते हैं। ऐसे जब भ्रष्ट बनते हैं तब श्रेष्ठ भी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं धोबी हूं। धोबी जब कपड़े धोता है तो क्या करता है, कपड़ों को सौंधता है। खेत में जो सफेद मिट्टी मिलती है ना, उस सफेद मिट्टी में कपड़ों को मिक्स कर देता है। जब कपड़े बिल्कुल गंदे देखने में आते हैं तब उनको घाट पर ले जाता है और शुद्ध पानी से धोता है। अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो 100% शुद्ध है या ज्ञान भी सतो से रजो रजो से तमो होता रहता है। क्या है, ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्ञान के वाइब्रेशन सतो से सतो सामान्य, फिर रजो और फिर तमो बनते जाते हैं। तो अभी कपड़े सतो प्रधान बन रहे हैं, आत्माएं सतो प्रधान बन रही हैं कि और ही जास्ती तमो प्रधान बनती जा रही है। 100 गुना बोझा चढ़ रहा है या उतर रहा है, क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। होते होते ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। शिव बाबा भूल जाएगा और देवियों की पूजा शुरू हो जाएगी, और एक देवी की नहीं, कितनी देवियों की पूजा करते हैं, हैं? 9 देवियों की पूजा करते हैं। तो कहां एक में बुद्धि लगाना और कहां 9 में बुद्धि लगाना, तो बुद्धि के व्यभिचार में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे अभी बेसिक में होने लगा है, बेसिक में एक शिव बाबा को याद करते हैं कि अनेक दीदी दादी दादाओं को याद कर रहे हैं, है? अनेक दीदी दादी दादाओं को याद करने लग पड़े तो क्या कहेंगे, तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बने हैं, तमो प्रधान बन गए। वो आधार मूर्तों की दुनिया है, जड़ों की दुनिया है, षष्ठ वृक्ष की वो जड़ें हैं और एडवांस में बीज हैं। ये बीज जास्ती तमो प्रधान बनते हैं। जब बीज धरणी में बोया जाता है
बीज सड़ता है या नहीं सड़ता है? है? अरे बीज धरणी में बोया जाता है मिट्टी में, तो वो दाना खाक में मिलता है या नहीं मिलता है? जो गाना गायन भी है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये बीज रूप आत्माएं बड़ी स्वाभिमानी है। स्वाभिमानी कहो या इनको देह अभिमानी कहो, क्योंकि दुनिया में जितने बीज हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में एक ही आत्मा है जो सदैव स्वाभिमान में रहती है। कौन है? शिव ज्योति बिंदु। और बाकी सब, बाकी तो सब देहवान में रहते। तो जो भी देहवान में रहने वाले हैं, भगवान उनके देहवान को पहले चूर चूर करता है। वैसे भी भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों का देह अहंकार सहन नहीं करता, उनके देह अहंकार को पूरा मिटाई देता है। तो ऐसे ही ये बीज रूप आत्माएं हैं, ये खाक में मिल जाती हैं, इनका देहबान चूर चूर हो जाता है, तब फिर नई दुनिया की शुरुआत होती है। शिव बाबा की अच्छी से अच्छी याद कैसे होगी? अच्छा पानी है, पानी न खट्टा होता है न मीठा होता है। कोई कहे पानी मीठे से मीठा कैसे होगा, तो क्या करते हैं? है? कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए, अच्छी से अच्छी याद करने के लिए गीत भी बनाया हुआ है। क्या गीत बनाया हुआ है? है? उस गीत का अर्थ है जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। अगर आधा तन लौकिक में लगावेंगे, लौकिक संबंधियों की सेवा में लगावेंगे, और आधे तन की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगावेंगे, तो आधी याद आएगी या संपूर्ण याद आएगी? आधी याद आएगी। ऐसे ही जिंदगी का कमाया हुआ आधा धन ईश्वरीय सेवा में लगावेंगे और आधा धन आसुरी दुनिया की सेवा में लगावेंगे, तो रिजल्ट क्या आवेगा? 100% रिजल्ट आवेगा या पूरा रिजल्ट आवेगा? है? 50% ही रिजल्ट आवेगा। मन अगर 100% मन के संकल्प ईश्वरीय दुनिया के कंस्ट्रक्शन में लगावेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, अच्छी याद आएगी। अगर 50% मन के संकल्प फिल्मी दुनिया में लगा दिए तो 50% कम से कम दुनिया याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो रिजल्ट क्या निकला, क्या निश्चित हुआ? कि तन की ताकत, मन की ताकत और धन की ताकत आज की दुनिया में तन और धन
ये बड़ी बात नहीं रह गई। क्या आज कुत्ते कार में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं? बिल्ली हवाई जहाज में घूमती है, मनुष्य सड़कों पर पड़े पड़े मर रहे हैं। तो मनुष्य के तन की ज्यादा ताकत है, ज्यादा वैल्यू है, या जानवरों की ज्यादा वैल्यू है? तो तन की कोई खास वैल्यू नहीं है। बाबा तो कहते हैं ये सड़ा हुआ 84वें जन्म का शरीर है, इसके हर छेद में से बदबू ही बदबू निकलती है। कोई छेद ऐसा है शरीर में जिसमें से खुशबू निकलती हो? कोई छेद ऐसा नहीं है। तो ये सड़ा हुआ 84वें जन्म का अंतिम तन है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे पास कखपन है। क्या कखपन है? इसे अर्पण कर दो। धन की भी कोई वैल्यू नहीं है। तन और धन से भी ज्यादा आज मनुष्य के पास जो समय है उसकी वैल्यू ज्यादा है। बहुत से ऐसे हैं जो अपना धन लुटाए देते हैं ईश्वरीय सेवा में, लेकिन टाइम नहीं देते। बहुत ऐसे हैं जो अपनी बीवी बाल बच्चों को भी स्वाहा कर देते हैं, लेकिन अपने कारखाने नहीं छोड़ते, अपनी लौकिक दुनिया का जो महत्व है उसे ज्यादा देते हैं। तो समय की वैल्यू ज्यादा हुई या तन की या धन की वैल्यू ज्यादा हुई? समय की वैल्यू आज की दुनिया में सबसे जास्ती है। तो तन भी ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना है, धन भी अर्पण करना है, और समय भी 24 घंटे में से 12 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे और 12 घंटे आसुरी दुनिया में लगाएंगे, तो रिजल्ट आधा आधा आएगा या 100% आएगा? आधा आधा ही आएगा। आगे रही संबंधों की ताकत। जो भी लौकिक दुनिया के संबंध हैं, मान लो हमारा कोई दोस्त है बचपन का, और वो बचपन का दोस्त अभी बड़ा मिनिस्टर बन गया, तो संबंध तो है ना, संबंध की ताकत तो है ना। अगर कोई उस ताकत को, अपने बचपन के संबंध की ताकत को ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहे तो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? लगा सकता है, हिम्मत करे तो लगा सकता है। तो अगर लगाता है, चाहे छोटा संबंधी हो चाहे बड़ा संबंधी हो, सारे संबंधों की ताकत जितनी भी जानकारी है ईश्वरीय सेवा में लगाता है तो उसका उजूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो तन से अर्पण होना, धन से अर्पण होना, मन के संकल्पों से अर्पण होना, समय से अर्पण होना, संबंधों से अर्पण होना, और दुनिया में जितने भी लोगों से संपर्क हुआ है, मिलना जुलना होता है ना, कोई ऐसे भी संपर्की होते हैं कि जिंदगी में ट्रेन में एक ही बार मिले हैं, संपर्क हो जाता है और जान पहचान हो जाती है, तो वो संपर्कियों की भी ताकत लगा देना। जितनी भी शक्तियां अपने पास हैं, सारी शक्तियां अगर ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो याद कैसी आएगी? अच्छी आएगी या खराब आएगी? अच्छी याद आएगी। ये रहस्य है
अच्छी यादगार। और जब पूरे 84 जन्मों के पाठ को जानेंगे तभी आत्मिक स्थिति बनेगी, या नहीं बनेंगे तो नहीं जानेंगे तो आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। 84 जन्मों में से सबसे ऊंचे से ऊंचा जन्म कौन सा है? है कौन सा जन्म? संगम युग के ब्राह्मण जन्म का अंतिम स्टेज का जो स्वरूप है उसकी हमको अगर पहचान हो जाए तो आत्मिक स्थिति जरूर बनेगी। संगम युग में कोई देवता बन रहे हैं, कोई राक्षस बन रहे हैं, या नहीं बन रहे हैं? कोई के देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं, देवियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं, और कोई के राक्षस और राक्षसियों के चेहरे तैयार हो रहे हैं। सूपनखा पूतना के चेहरे तैयार हो रहे हैं, रावण के 10 सिर तैयार हो रहे हैं, कंसी जरासिंधी जो नंबरवार बनने वाले हैं वो सब तैयार हो रहे हैं। तो उनको अपना पार्ट जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अपनी ताकत का भी पता चलेगा या नहीं चलेगा? उस स्टेज में टिक जाएंगे। और उनको उस तरह की याद भी आने लगेगी। 84 जन्म तो बाद में अंतिम स्टेज में डिक्लेयर होंगे। अभी तो जमाना कंप्यूटराइज्ड होता जा रहा है। कंप्यूटर में रिजल्ट निकालने के लिए एक बटन दबाते हैं और सारा रिजल्ट बाहर आ जाता है। ऐसा भी होने वाला है। लेकिन जो मुख्य जन्म है संगमयुगी ब्राह्मण जन्म का अंतिम स्टेज उसका अभी पता चलना चाहिए, जिसमें पता चले कि मैं आत्मा किस ग्रुप की आत्मा हूं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां हैं, जिनका विस्तार दुनिया में 9 धर्म फैले हुए हैं, जो भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करते हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियों में मैं किस कुरी का ब्राह्मण हूं, और दुनिया के रंगमंच पर किस धर्म विशेष में मुझे विशेष पार्ट बजाना है, उन धर्म विशेष में उन कुरियों में
जो ऊंची स्टेज के पार्टधारी हैं, उन ऊंची स्टेज के पार्टधारियों में अथवा उन पार्टधारियों से मेरा कितना क्लोज कनेक्शन है, जैसे सूर्यवंश का बाप है तो सूर्यवंश में ऊंची स्टेज का है, उसके मैं कितने नजदीक हूं, माला में मेरा किस नंबर की कुर्सी है, यहां तक पता चले तो नशा क्यों नहीं चढ़ेगा। नशा चढ़ता जाएगा, आत्म की स्थिति बढ़ती जाएगी, और जितनी जितनी आत्म की स्थिति बढ़ती जाएगी उतना उतना 84 जन्म का बीज जो है वो वृक्ष के रूप में दिमाग में आता जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे रामकृष्ण की आत्माएं अभी वर्तमान ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थी जीवन में अपने अनेक जन्मों को पहचानती जा रही है या नहीं पहचानती जा रही है? है? पहचानती जा रही है। ऐसे ही जितनी भी कुरियों के ब्राह्मण हैं, उनके मुखिया और उनके कनेक्शन में आने वाली जो भी आत्माएं हैं, नंबर वार, वो सब अपने अपने महत्व को पहचानती जाएंगी, अपने अपने अनेक जन्मों को पहचानती जाएंगी, और उनका नशा बढ़ जाएगा। अंत में ऐसी भी स्टेज आएगी कि हर आत्मा अपने पार्ट में संतुष्ट हो जाएगी। रावण का जो पहला मुख है वो कहेगा वाह मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा पार्ट बहुत बढ़िया है। और अरे और 5 मिनट हैं। शेर का चमड़ा दिखाया है ना, पहने हुए दिखाया है। हाँ, उसका मतलब है कि जो वस्त्र है उसे दिखाते हैं, उसका नाम दिया है बाघ अंबर। अंबर माने कपड़ा, ये शरीर क्या है, कपड़ा है। तो चित्र में उनका शरीर कैसा पार्ट बजाने वाला है वो चित्रित किया गया है। कैसा पार्ट बजाने वाला है? टाइगर का पार्ट बजाने वाला है, बाघ का पार्ट बजाने वाला है। अपने भारत देश में राष्ट्रीय पशु का नाम क्या दिया है? पशु टाइगर नाम दिया है। टाइगर की क्या खासियत होती है? देवियों में दो तरह की देवियां प्रसिद्ध हैं, बाघम्बरी देवी और दूसरी सिंहवाहिनी देवी। एक सिंह के ऊपर सवारी करती है और एक बाघ के ऊपर सवारी करती है। तो बाघ में और शेर में क्या अंतर है?
शेर सीधा साधा होता है, तिकड़म नहीं होती है उसके दिमाग में, भले पावरफुल ज्यादा है, बहुत ताकत वाला है, लेकिन दिमाग उतना नहीं है। जितना दिमाग से काम, तिकड़म से काम बाघ टाइगर करता है। तो जब लड़ाई का मौका आता है, टक्कर खाने का मौका आता है, तो बाघ ज्यादा विजयी होगा या शेर ज्यादा विजयी होगा? बाघ विजयी हो जाता है, क्योंकि बड़ा चालाकी से लड़ाई लड़ता है। शेर सीधा हमला करेगा और बाघ कभी सीधा हमला नहीं करेगा, देखेगा अभी मौका नहीं है तो किनारा कर देगा, और जैसे ही मौका देखेगा वैसे ही हमला कर देगा। तो ये पार्ट शंकर का है, इसलिए शंकर को बाघ की चर्म पहने हुए दिखाया जाता है। और तो ये दुनिया के संरक्षण में अष्टमहा के अलावा और कोई बात देखी जाती है क्या? नई दुनिया के, नई दुनिया के संरक्षण में, सिलेक्शन में ये बात मुख्य रूप में पहले देखी जाती है। क्या नष्टो मोहा कितना बना है अलावा और कोई बात देखी? अभी नई दुनिया तैयार हो रही है कि नहीं ब्राह्मणों में? है नई दुनिया तो तैयार हो रही है, तो नई दुनिया में रिजल्ट भी निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? पहले तीन आत्माओं के रिजल्ट निकले, क्या कौन सी तीन आत्माएं? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, तीन के पार्ट प्रत्यक्ष हुए। उन तीनों के पार्ट प्रत्यक्ष होने में मूल परीक्षा किस बात की थी? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। ऐसे ही जो अष्टदेव हैं उनके भी पार्ट प्रत्यक्ष होते हैं, उनमें से ऐसा एक भी देवी देवता नहीं होगा अष्टदेवों की श्रेणी में जो नष्टो मोहा वाला ना हो। ज्ञान में आने से लेकर और अब तक का जीवन उन अष्टमूर्तियों का ठोक ठोक के देखा जाए तो क्या साबित होगा? कौन सी बात विशेष साबित होगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। भगवान को पहचाना है तो भगवान के कार्य में तन मन धन समय संपर्क और संबंध लगाएंगे या लौकिक संबंधियों में लगाएंगे? मन से किसको याद करेंगे? किसको याद करने वाले होंगे? हैं? बाप के, बाप को ही याद करेंगे, बाप का ही काम करेंगे, और कोई भी लौकिक संबंधी की याद में बुद्धि नहीं लगा सकते। उनका पत्र व्यवहार लौकिक संबंधियों के साथ नहीं चलेगा, बुद्धियोगी नहीं चलेगा, फोनबाजी लौकिक संबंधियों के साथ नहीं चलेगी, आना जाना भी किसके साथ नहीं चलेगा? लौकिक संबंधियों के साथ नहीं चलेगा।
नष्टो मोहा ये साबित हो जाता है। ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पढ़ाई का। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और ऐसे भी नहीं कि अंत समय में ये दिखाई दे, नहीं, जब से ज्ञान में आए हैं तब से ही ये काउंट होना शुरू हो जाता है नंबरों का कि कितने नष्ट मोहा बने हैं। लंबे समय का पुरुषार्थ, अंत समय की जो माया की परीक्षा होगी फाइनल पेपर की, उसमें ये अभ्यास काम में आवेगा। ऐसे नहीं थोड़े समय का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास काम आएगा। और बाबा 2500 साल में कितने जन्म लेते हैं, आयु कितनी होगी? क्या 2500 हाँ 2500 साल में जन्म लेते हैं 2500 वर्ष में 63 जन्म लेते हैं। हाँ आयु कितनी होगी? आयु कितनी होगी 63 जन्म में आयु कितनी होगी बता तो दिया। अभी कलयुग में भारतवर्ष में आयु अलग रह गई है, एशिया में जो रूस के रहने वाले लोग हैं उनकी एवरेज आयु अलग है, महाद्वीप एक ही है एशिया, एशिया में भारत भी है और एशिया में रूस भी है, परंतु रूस वालों की एवरेज आयु ज्यादा है और भारतवासियों की एवरेज आयु 30-40, तो अलग अलग है, एक जैसी आयु दुनिया में नहीं है। जिस धर्म की आत्मा वैसी ही उनकी आयु होगी। कोई धर्म पहले आते हैं रंगमंच पर, उन धर्मों की आत्माओं की आयु कम होगी क्योंकि उन आत्माओं ने ज्यादा जन्म लिए हैं, और जो आत्माएं लास्ट में उतर रही हैं परमधाम से, जैसे रूस की नास्तिक धर्म की आत्माएं, तो उनकी आयु ज्यादा है। जो रशियंस हैं वो कोई कोई तो आज कलयुगी दुनिया में 100 वर्ष से लेकर के 125 वर्ष से भी ऊंची आयु के होते हैं। इंडिया में कोई की 100 साल से ऊपर आयु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आदि वाली आत्माएं हैं, उन्होंने ज्यादा जन्म लिए हैं भारतवासियों ने, और रूस वालों ने बहुत कम जन्म लिए, नई उतरी हुई आत्माएं हैं, तो सतो प्रधान स्टेज है। और बाबा भक्तिमार्ग यहाँ सांप नहीं चढ़ बैठते हैं? सांप काटते हैं कि नहीं काटते हैं? जब सांप काटते हैं तो नशा हो जाता है कि नहीं? उन सांपों से बचने के लिए एडवांस में कन्याओं माताओं की ज्यादा सुरक्षा से रखा जाता है या बेसिक वालों की तरह रखा जाता है? कैसे रखा जाता है? हैं? उन सांपों से काटने से बचने के लिए कन्याओं माताओं को ज्यादा सुरक्षा दी जाती है।
अगर सुरक्षा में न रखा गया और किसी सांप ने डस लिया तो कन्या कहाँ चली जाएगी? वो तो बाहर की दुनिया नशा चढ़ जाएगा। फिर उस नशा के उस नशीले सुख के आगे उन्हें ईश्वरीय सेवा ईश्वरीय सुख कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो वो देवियां बनने वाली हैं नंबर वार की नहीं है? और सभी देवियां सबकी परीक्षा होती है, ऐसी कोई देवी नहीं है जिसकी परीक्षा न होती हो। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो मंदिरों में देवियों के ऊपर सांप दिखाए जाते हैं, सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है। और बाबा जब हम गहरे याद करते हैं तो बाबा को टचिंग होता है क्या? जो पूछने वाला है, जब बाबा कहता है तो बाबा कहते समय उसकी बुद्धि में कौन सी आत्मा आती है? 84 जन्म लेने वाली आत्मा याद आती है बाबा के रूप में, या जन्म मरण के चक्कर से जो न्यारी आत्मा शिव की है, शिव ज्योति बिंदु, वो याद आता है? पढ़ो फिर से। जब हम गहरी याद करते हैं, जब हम गहरी याद करते हैं तो बाबा को टचिंग होता है क्या? हाँ, तो कौन किसको, कौन सी आत्मा को बाबा कहा? शिव बाबा को कहा। तो शिव बाबा त्रिकालदर्शी नहीं है, ये पूछने की बात है। शिव बाबा त्रिकालदर्शी है या नहीं है? है, पूछने की बात ही नहीं। और ओम शांति।